हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आरईडी फॉर फिटनेस। और मेरा नाम है अभिनव टोंग। हम इस सीरीज में चेस्ट मसल्स के वर्कआउट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम मिडिल चेस्ट के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज मिडिल चेस्ट को टारगेट करती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं ध्यान में रखने वाले कि जब भी आप मिडिल चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो डंबल से करते हैं या रॉड से करते हैं, जिससे भी करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मान लीजिए मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो जो रॉड है आपकी, जब भी आप रॉड चेस्ट के पास लाते हैं तो वो आपके मिडिल चेस्ट के प्लेन पे टच होनी चाहिए। और मतलब सीधी भाषा में कहें तो जब आप रॉड वापस लाते हैं तो जो रॉड है वो आपके मिडिल चेस्ट पे हल्की सी टच होनी चाहिए, मतलब उसके प्लेन में होनी चाहिए मिडिल चेस्ट की। अपर चेस्ट का जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो रॉड है वो आपकी अपर चेस्ट पे होनी चाहिए, तो इसी तरह से मिडिल चेस्ट का वर्कआउट करते हुए जो रॉड है वो आपके मिडिल चेस्ट के प्लेन पे होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको अपनी जो चेस्ट मसल है वो स्ट्रेच रखनी है पूरे मूवमेंट में। और स्ट्रेच करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप अपनी रॉड होल्ड करें तो उसे स्क्वीज करें, तो स्क्वीज करने से आपका जो चेस्ट में स्ट्रेच है वो पूरे मोशन में स्ट्रेच बना रहेगा और एक्सरसाइजेस की जो फॉर्म है वो प्रॉपर रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मिडिल चेस्ट का वर्कआउट। तो इस डायग्राम में जो चेस्ट मसल्स का पार्ट दिख रहा है इसे हम मिडिल चेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली मिडिल और लोअर एक्सटर्नल हेड मिला के बनती है। तो मैं जो वर्कआउट वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो आपके ओवरऑल मिडिल चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए है। पहली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट पुशअप्स। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज है, इसमें पाम सेपरेशन मीडियम होना चाहिए और जो पाम आपने जो ये पंजे जमीन पे रखे हैं वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में आने चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है वो है फ्लैट मशीन प्रेस। तो इसमें आपको चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। इनफैक्ट कोई भी चेस्ट वर्कआउट करते वक्त आपको चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में, और कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त आरईडी ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, मतलब कि रिलैक्स फेज में ब्रीद इन करना है और इफर्ट फेज में ब्रीद आउट करना है। अगली एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। तो इसमें आपको जो रॉड पकड़नी है वो मीडियम ग्रिप पे पकड़नी है और आपको अपनी चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। चेस्ट मसल्स टाइट करने के लिए आपको रॉड हल्की सी स्क्वीज करनी है अंदर की तरफ अपने दोनों हाथों से। तो जब आप स्क्वीज करेंगे रॉड को तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चेस्ट मसल्स है वो टाइटन अप हो जाएगी और रॉड जो है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन में होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट डंबल फ्लाई। तो इसे भी करते वक्त आपको जो है चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है पूरे रेंज ऑफ मोशन में और डंबल जो है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन पे आने चाहिए। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको अपनी एल्बो हल्की सी बेंड करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी एल्बो स्ट्रेट करके मारेंगे तो आपकी शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करते वक्त हल्के से आपको एल्बो जो है वो बेंड करके रखने हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट डंबल प्रेस। तो ये करते वक्त भी आपको अपनी जो चेस्ट मसल्स है वो टाइट रखनी है और डंबल है वो मिडिल चेस्ट के प्लेन पे आने चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइजेस बताई है मैंने ओवरऑल मिडिल चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए बताई, तो आप ये सारी एक्सरसाइज अपने मिडिल चेस्ट को डेवलप करने के लिए अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं।